मॉर्निंग एंड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों मैं योगेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वी लव मोदी केयर में। दोस्तों जिस तरह से आज महामारी फैली हुई है, कोरोना काल है और बहुत से लोग क्षतिग्रस्त हैं, इससे बहुत से लोगों को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंच रही है। तो ऐसे में हमें अपने आप का ख्याल रखना है, आपको खुद को, हमें सबको, हमें हाथ धोते रहना है, मास्क लगाना है और उसके साथ साथ मोदी केयर के कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो उसे यूज़ करने हैं, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और आपके परिवार फैमिली सब मज़े में रहें। दोस्तों इसी को देखते हुए समीर मोदी जी ने इस बार बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट निकाला है, वेल च्यवनप्राश। जी हाँ दोस्तों, 40 जड़ी बूटियों से तैयार ये वेल च्यवनप्राश हमारी पूरी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाला है और ये इतना बढ़िया है, खा के देखा है, टेस्टी है। और बात टेस्ट की नहीं है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज इसकी ज़रूरत हर घर को है, हर फैमिली को, हर परिवार को, हर बच्चे को है। दोस्तों इसके बारे में कुछ बातें करेंगे ताकि आपको पता लगे च्यवनप्राश में क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं और ये हमें किस तरह से बेनिफिट पहुँचाती है। आइए दोस्तों देखते हैं। च्यवनप्राश दो शब्दों से बना है, च्यवन और प्राश। दोस्तों हजारों सालों से हम च्यवनप्राश का घर में इस्तेमाल करते आए हैं। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ऋषि च्यवन के नाम से इसका च्यवनप्राश नाम रखा गया, जिसके ऊपर एक कहानी भी है। हजारों साल पहले ऋषि च्यवन जो काफ़ी बुजुर्ग थे, वह एक जगह तपस्या कर रहे थे और वहीं की एक राजकुमारी सुकन्या जंगलों में जाती है और वह देखती है कि एक मिट्टी का पहाड़ बना हुआ है और उस पहाड़ में से किसी की आंखों की दो रोशनी आ रही है। तो वह देखकर हैरान हो जाती है, उस रोशनी में तीर मारती है। तीर लगते ही ऋषि च्यवन के आंखों से खून बहने लगता है। तो वहाँ के राजा आते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं तथा अपनी बेटी सुकन्या का हाथ ऋषि च्यवन के हाथ में दे देते हैं। यह सब देखकर भगवान इंद्र को अचंभा होता है और उन्हें गुस्सा आता है, क्योंकि ऋषि सुंदर नहीं थे, बुजुर्ग थे। खूबसूरत सी राजकुमारी का हाथ उनके हाथ में दे दिया गया तो इंद्र भगवान क्या करते। वह महाराज अश्वनी कुमार को, जो देवों के वेद थे, देव चिकित्सक थे, उनको भूलोक भेजते हैं और कहते हैं कुछ ऐसी जड़ी बूटी या काढ़ा तैयार करो जिसके सेवन से ऋषि च्यवन फिर से जवान और सुंदर हो जाएं। तो देव चिकित्सक अश्वनी कुमार धरती पर आकर ऐसी जड़ी बूटियों का एक मिश्रण तैयार करते हैं जिसके लगातार सेवन से ऋषि च्यवन फिर से जवान और सुंदर हो जाते हैं। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि च्यवनप्राश कई युगों से चलता आ रहा है। आयुर्वेद शब्द आता है रसायन से, रसायन मतलब एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे पूरे शरीर के पूरे अंगों को सेल से लेकर हमारे पूरे अंगों तक इफेक्ट करे उसे हम रसायन कहते हैं। जो व्यक्ति च्यवनप्राश का लगातार सेवन करता है उसकी लंबी उम्र होती है, मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है, जवान हो जाता है और काफ़ी समय तक जवान दिखता है, उसके शरीर और इंद्रियों में बल आ जाता है, यानी आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहती है, उसको अपनी वाणी में सिद्धि मिलती है, उसके कॉम्प्लेक्स में ग्लो आता है, उसके आवाज़ में एक खनक आती है, याददाश्त को बढ़ाता है, बुढ़ापे को कम करता है, बुढ़ापे में भी एनर्जी बरकरार रखता है, हड्डियों को मजबूत करता है, पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है। तो दोस्तों जो व्यक्ति च्यवनप्राश का लगातार सेवन करेगा, यह सारे लाभ उसको मिलने वाले हैं। जब हम इम्यूनिटी सिस्टम की बात करते हैं, अच्छा खाने का अलावा यदि स्ट्रेस से दूर रहेंगे, सही टाइम पर खाना खाएंगे, सही टाइम समय पर नींद लेंगे, पानी खूब पियेंगे और डिहाइड्रेशन नहीं करेंगे, एल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहेंगे,
एक्सरसाइज लगातार करेंगे, यह सारी चीज़ें हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बरकरार रखती है। यदि आप इनमें से सारी चीज़ कर रहे हैं परंतु स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। आजकल जो महामारी का दौर चल रहा है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, इस दौरान आप वैक्सीन लगवाएंगे तो यह भी कारगर साबित होगी। और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो वैक्सीन का भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। किसी भी बीमारी से निकलने के लिए जो ताकत होती है वह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करती है। दोस्तों, जब हम वेल च्यवनप्राश की बात करते हैं, वेल च्यवनप्राश में पूरी 40 जड़ी बूटियां हैं। पहली बात यह कि मोदी केयर ने बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स लिया है। चरक संहिता में एक श्लोक आता है जिसमें 40 की 40 जड़ी बूटियों की बात बताई गई है। वह सारी की सारी जड़ी बूटियों का संग्रह जो है मोदी केयर ने किया है। मार्केट में और भी च्यवनप्राश हैं, लेकिन जितनी जड़ी बूटियां मोदी केयर के वेल च्यवनप्राश में हैं वो किसी और में नहीं है। च्यवनप्राश के अंदर वैसे तो 40 जड़ी बूटियां हैं, लेकिन कुछ खास इस तरह से हैं: आमला, गुड़ूची, शतावरी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, पीपली, गोखरू, दालचीनी, घी, शहद, तिल का तेल, बेलफल। मोदी केयर का जो च्यवनप्राश है उसका बेसिक फॉर्म है वह है आमला। आमला सबको पता है, यदि हम कच्चा आमला खाते हैं और उसके बाद जब हम पानी पीते हैं तो वह ठंडा लगता है और मीठा महसूस होता है। तो आंवला की तासीर ठंडी बोली गई है। इसका मतलब है कि च्यवनप्राश का सेवन हम सर्दियों में ही नहीं गर्मियों में भी कर सकते हैं, या यूं कहें सभी ऋतु में इसका सेवन कर सकते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, 6 के 6 ऋतुओं में च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। आंवला इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आंवला सर्वप्रिय द्रव है। आज कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से भी कहा जा रहा है विटामिन सी का सेवन करिए। सबसे बड़ी बात, आयुष मिनिस्ट्री ने च्यवनप्राश को भी इंडिकेट किया है, क्योंकि च्यवनप्राश में 70% आंवला होता है जिसमें विटामिन सी है और आपके इम्यूनिटी को इमीडिएटली बूस्ट करता है। और शरीर का ऐसा कौन सा अंग नहीं है जहां पर आंवला इफ़ेक्ट नहीं करता। आपकी आंखें हैं, आपके बाल हैं, आपकी आंखों की तेज़ रखता है, आपके बालों को काला और चमकदार तथा मजबूत रखता है, आपके दिल को स्ट्रॉन्ग रखना, आपका लीवर मजबूत रखना, आपके पाचन इंद्रियों को भी ठीक ठाक रखना, यह सब आंवला बहुत अच्छे से करता है। बात करते हैं अश्वगंधा की। इसको भी आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस में रखा गया है। यह भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी नसों को ताकत देता है, आपके बुढ़ापे का साथी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम अश्वगंधा का भी है। हम बात करते हैं पीपली की। इसको हिंदी में मघा कहते हैं। यह छोटे काले रंग की होती है। इसका सबसे अच्छा काम है, यह हमारी छाती, हमारे लंग्स, यहाँ जमे हुए कफ को ख़त्म करता है और धीरे धीरे हमारी छाती को ताकत देता है और कोरोना में हमें स्पेशली श्वास रोग से बचाता है और इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। और अस्थमा के मरीजों के लिए च्यवनप्राश बहुत ही लाभदायक है। इसमें गोखरू भी मिलाया जाता है। गोखरू जो हमारे शरीर के नीचे की वायु है उसको ठीक करता है, पेशाब खुल के आता है, किडनी को बल प्रदान करता है, जो हमारा ब्लाडर है उसे साफ करता है, टॉक्सन को बाहर निकालता है, स्टेमिना बिल्ड करता है। गोखरू इतने अच्छे काम करता है। अब बात करते हैं शतावरी की। शतावरी से आपका मसल बल बढ़ता है, क्योंकि शतावरी में बहुत से प्रोटीन होते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो बच्चों को दूध पिला रही हैं
उनके लिए बहुत बढ़िया है। यह च्यवनप्राश का सेवन कर सकती हैं क्योंकि यह दूध की मात्रा बढ़ाता है। ब्राह्मी, आप सभी जानते हैं ब्राह्मी आपकी जो ब्रेन की शक्ति है उसको बनाता है। च्यवनप्राश में जो बेल का फल है जिसे बेल पत्थर कहते हैं, जो भोले बाबा को चढ़ाया जाता है, यह पेट की नसों को मजबूत करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इसमें कंठकारी भी डाली जाती है। च्यवनप्राश स्टेमिना के साथ साथ छाती को मजबूत रखता है। इसको शुगर पेशेंट को भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें दालचीनी डाली गई है। जिन लोगों का शुगर लेवल कंट्रोल में है वह इसको ले सकते हैं। इसको लेने की विधि, जवान व्यक्ति एक चम्मच यानी 12 ग्राम दिन में दो बार सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं। बच्चे जिनकी उम्र 3 साल से 12 साल के बीच में है वह इसको आधा चम्मच यानी 6 ग्राम की दो दिन में दो बार सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं। इसका वेट जो मोदी केयर का च्यवनप्राश है यह आधे अभी 500 ग्राम में है, जिसका MRP 215 रुपये है और हमें ये DP प्राइस पर मिलता है 187 रुपये में, जिसका बिजनेस वॉल्यूम हमें मिलता है 40%। तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो के अंदर च्यवनप्राश आज हर घर में कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ अपने तक ना रहने दें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता लगे कि आज हमें च्यवनप्राश की कितनी ज़रूरत है। और ऐसी मेरी और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी करें और इसे शेयर करें। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग, धन्यवाद।